This Lallantop video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना गेम खेल ले। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच दूरी भी बढ़ाइए। किस वैक्सीन के? सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के। पहले 28 दिन पर दूसरा डोज लगता था और केंद्र ने विशेषज्ञों से रायशुमारी के बाद कहा है कि दूसरे डोज की सीमा 6 से 8 हफ्तों तक बढ़ा दी जाए। केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय सीमा बढ़ा दी जाए तो वैक्सीन लगवाने वालों में बेहतर इम्यूनिटी डेवलप हो सकेगी। किन विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है? ये कहना है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का। इन दोनों ग्रुप्स ने अपनी 20वीं मीटिंग में ये बात कही है। राज्यों के प्रमुख सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि NTAGI और NEGVAC के सुझावों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मान लिया है और अब नई समय सीमा के बाद लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी साफ किया गया है कि ये वाला नियम बस कोविशील्ड पर ही लागू होगा, कोवैक्सीन पर ये लागू नहीं होगा। वैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच कितनी गैपिंग जरूरी है, इसका जवाब विशेषज्ञ देते हैं कि वैक्सीन के पहले डोज के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है और जब शरीर को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाता है तो यही एंटीबॉडी बनने की स्पीड तेज हो जाती है। कई रिसर्च में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच अंतर कम से कम 28 दिनों का होना चाहिए, यानी समय सीमा 28 दिनों से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। कुछ समय पहले UK से भी वैक्सीन के दोनों डोज के बीच समय सीमा बढ़ाने की खबर सामने आई थी, जहां सरकार ने वैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 12 हफ्तों तक गैप रखने की बात कही थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन के दो डोजेस की समय सीमा बढ़ाने के पीछे वैक्सीन की कम उपलब्ध मात्रा है और अगर गैप बढ़ा दिया जाएगा तो हेल्थ केयर पर दबाव कम पड़ेगा और वैक्सीन के डोज प्राप्त करने के लिए सरकार को समय भी मिल सकेगा। अब सरकार ने समय सीमा तो बढ़ा दी है लेकिन जो पहले वाली टाइमलाइन थी उस हिसाब से वैक्सीन लगने में कितनी देर लगती? बिजनेस टुडे के मुताबिक लगभग 11 साल में उस रेट से भारत की जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन मिलती, अब तो और देर लगेगी। आपके लिए एक खबर लिखी हमारे साथी सिद्धांत ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लनटॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाए। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीजों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।